आज दिल्ली में अधिकारों की जंग में केजरीवाल को जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एलजी अपने मन से सभी फैसले नहीं ले सकते, उन्हें कैबिनेट की सलाह माननी होगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का अपना महत्व है, वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास सिर्फ पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर है। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए क्या बड़ी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है संवैधानिक पीठ में, वो हम आपको बता देंगे। संविधान चुनी हुई सरकार को प्राथमिकता देता है, ये आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा जब इस पर फैसला सुनाया जा रहा था। एलजी खुद के फैसले से सरकार के कामकाज में बाधा नहीं डाल सकते। तो तीसरी बड़ी बात कही गई है वो ये है कि एलजी और सीएम मिलकर काम करें, कोई खुद को एक दूसरे से ऊपर न समझे। एलजी दिल्ली कैबिनेट के हर फैसले को रोक नहीं सकते, यही शिकायत भी थी अरविंद केजरीवाल की और इसी शिकायत को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अगर गंभीर आपत्ति है तो वो इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। किसी तरह की कोई आपत्ति अगर एलजी को है तो राष्ट्रपति को वो भेज सकते हैं। दिल्ली सरकार अपने हर फैसले को उपराज्यपाल को बताएगी, जो भी फैसला लेती है दिल्ली सरकार उससे उपराज्यपाल को अवगत कराना होगा। हर फैसले की जानकारी देने का मतलब ये नहीं है कि सब पर एलजी की सहमति। दिल्ली सरकार अपने हर फैसले को उपराज्यपाल को बताएगी, जो भी फैसला लेती है दिल्ली सरकार उससे उपराज्यपाल को अवगत कराना होगा। हर फैसले की जानकारी देने का मतलब ये नहीं है कि सब पर एलजी की सहमति जरूरी है, इसको और क्लियर क्लेरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट। पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास रहेंगे। दिल्ली की जनता के लिए कानून बनाने और व्यवस्था चलाने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। जो भी कानून बनाना होगा, जो व्यवस्था होगी वो दिल्ली सरकार देगी। एलजी कैबिनेट की सलाह और सहायता पर काम करें, उन्हें समझना होगा कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। मैं दिल्ली की जनता की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को तहे दिल से दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें दिल्ली की जनता को उन्होंने सुप्रीम बताया है। तो इस तरह से आज इस फैसले के अगर ऑपरेटिव पार्ट पर मैं जाऊं तो अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जब वो दिल्ली की जनता के हक में फैसले लेगी तो अपनी फाइलें एलजी साहब के पास भेजने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम रुक जा रहे थे या अननेसेसरी डिले हो रहे थे या उसमें टांग अड़ाई जा रही थी। एलजी साहब ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन रोके और उसमें देर लगाई, अननेसेसरी क्वेश्चंस करके भेजे, अननेसेसरी अपनी ओपिनियंस लगा के भेजी, आप सबको याद है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता के बहुत सारे काम डिले हुए। तो पहला तो यह कि अब दिल्ली सरकार को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, दिल्ली के लोगों के लिए काम करते वक्त अपनी फाइलें बार बार एलजी की मंजूरी के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जो संविधान कहता है उसकी उसका सम्मान करें। अगर आपको संविधान कहता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस पे आपका वर्चस्व है तो आप रखिए, उसमें भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा सीएम को। लेकिन बाकी विषयों के ऊपर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, ये होम डिलीवरी राशन का हो, इन सब के ऊपर वर्चस्व केजरीवाल साहब का था, रहेगा, क्योंकि संविधान कहता है कि इन सारे विषयों पे बाकी तीन विषय छोड़ करके वर्चस्व केजरीवाल साहब का रहेगा। कि संसद का कानून ही सर्वोच्च है, दिल्ली में अराजकता नहीं चलेगी और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हो सकता। यही तीनों तो इनका ड्रामा है। एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए जो संविधान सम्मत हो और एलजी ने उसको रोका हो। एलजी संविधान के रक्षक होते हैं। कोर्ट ने कहा है, उसने बड़ी क्लियरली रिइटरेट कर दिया है जो ऑलरेडी होना चाहिए था। तो इसके इस कोर्ट के फैसले के बाद अच्छा होगा कि एलजी अपना काम करें और केजरीवाल जी प्राइम चीफ मिनिस्टर अपना काम करें। ये कोई ओपन वॉर नहीं करने से नहीं होगा, लेकिन ये आपस में तालमेल बनाकर जो दिल्ली के हक के लिए है वो चीजें करनी चाहिए और होनी भी चाहिए, हमेशा हुई है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली सचिवालय में स्वागत किया गया है अरविंद केजरीवाल का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल का सचिवालय में स्वागत किया गया है, तालियों से अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया गया। लंबी लड़ाई लड़ी थी हाईकोर्ट में, जरूर वो इस लड़ाई को हार गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को राहत मिली और आज जो संवैधानिक पीठ का फैसला आया उसके बाद अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि चुनी हुई सरकार और मंत्रिमंडल ही उन्हीं के पास असल शक्ति है।
और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के में भी जमकर जश्न मनाया गया। हमारे संवाददाता पुलकित नागर भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और जिस तरह से जश्न वहां पर मनाया जा रहा था वो रिपोर्ट और तस्वीरें आप देखिए। ढोल पर नाचते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और ये तस्वीर चुनाव जीतने के बाद है। दूसरी तस्वीर ये भी है कि बाहर लड्डू बांटे जा रहे हैं और लड्डू तमाम कार्यकर्ताओं को खिलाए जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर है कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं और ये चुनाव जीतने के बाद ये पहली तस्वीर है जब चुनाव जीता था आम आदमी पार्टी ने, जब भी इसी तरीके से जश्न मनाया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जश्न फिर से आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में एक अलग खुशी है और कुछ कार्यकर्ता ये भी दावा कर रहे हैं कि ये दिल्ली चुनाव जीतने के बाद एक बड़ी जीत है कि वो आज सुप्रीम कोर्ट से भी जीते हैं। कैमरा पर्सन शरद के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो जश्न की तस्वीरें आपने देखी, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ये जश्न मनाया जा रहा था, इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के इस फैसले के बाद, और इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि दिल्ली की जनता की बड़ी जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये ट्वीट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और उसे उन्होंने जनता की बड़ी जीत बताया। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, आशीष सिन्हा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ेंगे और साथ ही पुलकित नागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा चलूंगा सबसे पहले आशीष के पास। आशीष, आज हमने देखा भी जश्न की तस्वीरें देखी हैं, आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भी ये स्पष्ट किया है कि जनता की चुनी हुई सरकार और मंत्रिमंडल में ही असल शक्ति है और यही वजह इस जश्न की भी। देखिए रोहित, सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान है और जो कानून है 239A उसकी केवल व्याख्या की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर मंत्रिमंडल कोई सुझाव देता है एलजी को तो एलजी उसे मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि एलजी उससे सहमत नहीं होते हैं तो मसले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। सबसे अहम बात रोहित ये है कि अभी भी ये जो टसल है एलजी वर्सेज दिल्ली सरकार, ये अभी खत्म नहीं होगी, आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पेंडिंग है कि एसीबी किसके अंदर जाएगी, ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होगी, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन नियुक्त करेगा, दिल्ली सरकार या फिर एलजी। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी और वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में केवल 239A को इंटरप्रेट किया और ये कहा कि जो ये दूसरे मसले हैं यानी ट्रांसफर पोस्टिंग, एसीबी, सरकारी वकील कौन होगा, ये सभी कंसर्न बेंच सुनवाई करेगी, यानी जो जस्टिस सीकरी की जो बेंच है वो अब इस मामले की सुनवाई करेगी और वो ये तय करेगी कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग और जो दूसरे अलग विषय हैं उन पर आखिर अधिकार किसका है, वो किसके अधिकार के दायरे में आता है। ठीक है, अब पुलकित भी मेरे साथ बने हुए हैं। पुलकित, इस फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी की कैबिनेट की बैठक होने वाली है, 4 बजे का समय था, क्या शुरू हो गई है बैठक और इस बैठक में क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, अभी जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं आया था उससे पहले कई ऐसे फैसले थे जो कैबिनेट ने अप्रूव किए लेकिन उन्हें माना नहीं किया, वो एलजी हाउस पहुंची फाइल और उस पर रोक लगा दी गई, जैसे कि दिल्ली में सीसीटीवी का मुद्दा है और साथ ही राशन की डोर स्टेप डिलीवरी है। तो इन तमाम मुद्दों पर अभी कैबिनेट में चर्चा होगी, हो सकता है कि दोबारा से फाइल को अप्रूवल मिले और उसे दोबारा से आगे काम उस पर शुरू किया जाए, क्योंकि ये मुद्दे लगातार अटके हुए थे। और आपको याद होगा कि जब भी एलजी से टकराव हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल राशन और सीसीटीवी का मुद्दा उठा रहे थे। तो अब कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें तमाम अधिकारियों को बुलाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, तो इन पर ये चर्चा होगी ये माना जा रहा है। और क्या फैसला होगा कि ये दोबारा से अप्रूव देके कैबिनेट का उसे भेजते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कैबिनेट का अप्रूवल मिलता है तो एलजी हर बार उस पर रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल फौरी तौर पर इसे आम आदमी पार्टी अपने लिए राहत के तौर पर देख रही है और इसीलिए जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी अभी निकलकर सामने आई।